बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एशिया कप 2022 के आगाज से पहले बाबर आजम ने क्या ऐलान किया, जबकि शुएब मलिक के हवाले से क्या बात कही है, क्या शुएब मलिक की वापसी होने जा रही है या नहीं, और भारती जो शुएब मलिक की शमूलियत पर हैरान है उनको भी मिल गया जवाब। बस गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे। पाकिस्तान मेन्स क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा है की 27 अगस्त से शुरू होने वाले 2022 एशिया कप में मेन्स इन ग्रीन की नुमाइंदगी के लिए बेहतरीन दस्तियाब खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। बाबर आजम ने कहा कि कोच और सेलेक्टर से मुशावरत के बाद बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया है। एशिया कप हॉलैंड के दौरे के फौरन बाद है, इसलिए टीम में तब्दीलियों का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा एशिया कप में शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की कमी महसूस होगी, लेकिन आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद इन नंबरों के खिलाड़ी है और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम शादाब खान की बैटिंग फॉर्म को बरोए काल लाएंगे और मजबूत बैटिंग की गहराइयों पर नजर रखेंगे। जैसे की आप जान चुके होंगे की शुएब मलिक की शमूलियत अब एशिया कप के स्क्वाड में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाबर आजम ने खुद ही कह दिया है कि उनके मुतबादल के तौर पर खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली हमारे पास मौजूद है।